स्वाति राजपूत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो एक फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है और आज स्वाति राजपूत एक फेमस एक्ट्रेस बन गई है। सो आज हम आपको बताने वाले हैं स्वाति राजपूत के स्ट्रगल से लेकर सक्सेस होने तक की पूरी लाइफ स्टोरी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वाति का जन्म 31 जनवरी को दिल्ली, इंडिया में हुआ था। ये पली बड़ी दिल्ली में ही। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखती है। इनके फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनका एक भाई भी है जिनका नाम जारित राजपूत है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन दिल्ली से ही कंप्लीट की है। स्वाति को बचपन से ही एक्टिंग और डांस करने का काफी शौक रहा है और उनकी यही चाहत उन्हें मुंबई ले गई। स्वाति ने अपनी करियर की शुरुआत तो मॉडलिंग और टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट से की थी, लेकिन साल 2010 में उन्हें एक तेलुगु फिल्म थकिता थकिता में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद उन्होंने टेलीविजन पर अपना सफर शुरू किया। इस टेलीविजन सीरियल के बाद स्वाति ने कई सारे पॉपुलर टेलीविजन सीरियल्स में काम किया, जैसे स्टार प्लस के सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर, एजेंट राघव, पृथ्वी वल्लभ, ये सब शामिल हैं। साल 2011 में उन्होंने टेलीविजन सीरियल तुम देना साथ मेरा जो लाइफ ओके पर आया था। इस सीरियल में इन्होंने सेमी प्रियावाल के कैरेक्टर को प्ले किया था और ये इनका डेब्यू सीरियल था और यहीं से मानो इनकी किस्मत चमक गई क्योंकि इनके पहले कैरेक्टर ने ही इनको काफी पहचान दिलाई। कुछ ही टेलीविजन सीरियल्स में काम करने के बाद स्वाति अपना नाम एक फेमस एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार कर चुकी थी और यही रीजन था कि स्वाति को अपने करियर में कभी पीछे पलटकर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इन्हें एक से बढ़कर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलने लगा। और साल 2022 में इन्होंने स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये झुकी झुकी सी नजर में दिया माथुर डस्की कलर लेडी के कैरेक्टर को प्ले कर रही थी और इस टेलीविजन सीरियल में इनको काम इनके डस्की स्किन कलर यानी कि सांवले रंग की वजह से ही मिला था। ना सिर्फ टीवी कॉमर्शियल्स और टेलीविजन सीरियल्स बल्कि इन्होंने साल 2010 में तेलुगु फिल्म में भी डेब्यू किया था और साल 2017 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म वोडका डायरीज से और इस फिल्म में इन्होंने सीरा के कैरेक्टर को प्ले किया था। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी तो स्वाति राजपूत अनमैरिड हैं और इन दिनों ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, बिल्कुल हैं ये सिंगल। इसके साथ साथ आपको बता दें स्वाति सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और आए दिन अपने लवी डबीज फोटोज एंड वीडियोस अपने फैंस के लिए शेयर करती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्वाति राजपूत के लाइफ से जुड़ी कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।